मोहन जी, क्या आपने दिव्यानी को बाहर जाते हुए देखा? नहीं बाबा, वो घर से बाहर नहीं जा सकती। बाहर के गेट में लॉक लगा हुआ है। अगर वो घर से बाहर जाती तो लॉक खुला होता ना। आंटी शांत हो जाइए आंटी। हाँ बताओ। हाँ। हम सब कब से देवजानी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं मिल नहीं रही है। आंटी आप परेशान मत होइए, डब्बू दीदी मिल जाएंगी। अगर अब तक वो जिंदा बच्ची तो उसके बाद उससे मिलने आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा। लीलन, तुम्हें क्या लगता है कहाँ गई होगी डब्बू? पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल। हमारे बीच में सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट हम दोनों ने कल आंटी से बात भी की। मैंने ही बोला आंटी को यहाँ पर आने के लिए आप सबके साथ, तो उसका इस तरह घर से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। समझ में नहीं आ रहा है अंकल, I'm so confused। बड़ी अजीब बात है, अगर वो घर में ही है तो फिर नजर क्यों नहीं आ रही है? आप लोगों ने उसे ढूंढा ठीक से? हाँ भाई साहब, हमने हर जगह ढूंढा, घर का एक एक कमरा, टेरेस, बैकयार्ड, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। देखिए, हम भी उसके लिए उतने ही परेशान हैं। आप समझने की कोशिश करें। राजू, राजू ये सब किस लिए? जी वो नवरात्रे है ना, तो मैंने ही राजू से कहा था कल रात तैयारी करने के लिए। लेकिन तुम अचानक ये क्यों पूछा सन? माँ, मुझे लगता है हमने घर को ठीक तरह से देखा नहीं। राजू, ये तुम कहाँ से लाए हो? जी स्टोर रूम से मालिक। स्टोर रूम से? तो स्टोर रूम की चाबी दो मुझे अभी इसी वक्त। अभी लेके आया। ओह नो, अगर डिलन ने देवजानी को ढूंढ लिया तो? कब से बंद? बहुत वक्त हो गया बेटा। Dylan, I'm already impressed. And now once again. लेकिन अफसोस कि जीते जी वो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली है।
हम उसे ढूंढ लेंगे। यहां पर तो आ बेटा। लगता है मुझे भी पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मेरी टब्बू नहीं मिली, मेरी टब्बू कहाँ है? नहीं मिली जी। माता रानी, मेरी टब्बू कहाँ है? देवजानी, देवजानी। देवजानी प्लीज आंखें खोलो। देवजानी मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। देवजानी प्लीज आंखें खोलो। तुम ठीक हो?
माता रानी, तेरी कृपा मेरे डब्बू को बचा लिया। काजल को डिवोर्स देने का फैसला ले ही लिया है तो जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा करो। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फैसले से तुम काजल को दुखी नहीं करोगी और हमेशा चंडी का साथ दोगी। की गृहस्थी देखकर थोड़ा सुकून मिल जाए दिल को, फिर शादी से बात करते हैं। वरना है मिलता कहां हम काफिरों को खुदा, हसरत अब मेरी तुमसे है जा मिली। हेलो चंडी जी, आप ठीक हो ना? बस अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ओ, क्या? यही कि कैसे तुम मेरी लाइफ में आए और फिर मेरी जिंदगी ही बन गए। और फिर वही हुआ जिसका डर सबसे ज्यादा था मुझे, माँ को इस तरीके से सब कुछ पता चलना। और आंटी अभी भी आपसे नाराज है? नहीं राज, माँ हम पांचों बहनों को बहुत प्यार करती है और हम पांचों चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, हम सबसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती। माएं होती ऐसी है चंडी जी, इसलिए तो वो माँ होती। और तुम्हें पता है आज माँ ने मुझे प्यार से गले लगाया और फिर बहुत प्यार से समझाया कि एक बार डब्बू अपनी लाइफ में सेटल हो जाए फिर वो हमारे बारे में भी सोचेंगे। चंडी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ राज, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतना समझने वाले पेरेंट्स मिले। चलो अब ज्यादा सोचो मत और दुखी तो बिल्कुल भी मत हो चंडी जी, आप देख ले जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। चलो वो अपने प्यारे से चेहरे पर स्माइल लेकर आओ, देवजानी जी का खुशी खुशी वेलकम करो। ऐसा लटका हुआ चेहरा बनाओगी तो वो कितनी परेशान हो जाएंगी ना। हाँ राज, बाय। ठीक है ना डब्बू? मामा, ये चोट कैसे लगी? कैसे लगी? डब्बू बता बेटा, कैसे लगी ये चोट तुझे? हाँ, डर मत, बता। अरे माँ, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हाँ पर ये चोट लगी कैसे? हाँ वो आप आंटी, मैं बताती हूँ।
वो भाभी की पहली रसोई थी तो आटा गूंथते हुए उनके हाथ में कांच लग गया। किसी को भी नहीं पता कि आटे में कांच कहां से आया। आटे में कांच के टुकड़े। ये कैसे हो सकता है? होता है। उस दिन जेल जाके हमको भी पता चला कि लोग कितना नकली होता है, तो आटे का क्या बात है। इसका मतलब है आप मेरी बेटी से उसी बात का बदला ले रहे हैं। What nonsense, Mrs. ठाकुर, हम बदला ले रहे हैं? ये बदला नहीं तो क्या है? एक दिन हुआ है मेरी डब्बू को ससुराल आए हुए, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसका हाथ का कटना, घर के किसी अंधेरे जगह पर बंद होना, इस सब का और क्या मतलब हो सकता है? आंटी आप गलत समझ रही। मैं सच कह रहा हूँ, हम सब देवजानी को लेकर परेशान थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवजानी इस हालत में मिलेगी। We all care for her, आंटी। ये सब कहने की बातें हैं। सच तो ये है कि आज मेरे डब्बू की जान जाते जाते बच गई। जब आप सबने देखा ना कि डब्बू के पापा आपके किसी काम नहीं आए, तो इसी बात के लिए आपने उससे बदला लिया है। मिसेस ठाकुर, अब आप हद से ज्यादा गुजर रही हैं। प्लीज स्टॉप इट। सच सुनने में हमेशा कड़वाई लगता है। गलती तो मेरी ही थी कि मैं शादी के लिए मान गई। अगर मुझे पता होता कि आप लोगों का दिल इतना छोटा है तो मैं शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। ममता जी शांत हो जाइए। अरे माँ, माँ बिल्कुल गलत समझ रही है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। एज अ फैक्ट मुझे भी नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंच गई थी। माँ टप्पू बस कर, इनकी तरफदारी करना बस कर। मुझे पता है गलती इन्हीं की है। ममता जी देखिए, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर आप कहती हैं कि गलती हमारी है तो ठीक है, गलती हमारी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हम देवजानी का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। आई प्रॉमिस यू। उसकी गुंजाइश अब मैं रहने ही नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी को अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ। इसी वक्त, इसी पल, हमेशा के लिए। ममता जी, जज्बात में आकर गलत फैसला मत लीजिए। अब मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता एलन, आप भी नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। चल बेटा, चल मेरे साथ। ममता जी, चल। ममता जी। वेल डन आंटी जी, जाओ देवजानी जाओ। अब डिलन को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जाऊंगी माँ। आप यही मेरा परिवार है और यही मेरा घर है। और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। Thank you.
कर रही है डब्बू, मत कर ऐसे। माँ की बात मान।